हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी मैजिक में। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे रूल्स भी हुए थे, कुछ रूल हमारे छूट गए थे, जिसको आज हम इस क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, लेकिन उन सभी रूल्स का रिवाइज कर पाना संभव नहीं है। कुछ एक रूल्स को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं और क्लास को लिंक करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम लोगों ने रूल्स पढ़ा था कि ईच, एवरी, एनी, एनीवन, वन एक्सेट्रा वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आता है और उसके डायरेक्ट वर्ड नाउन आता है तो नाउन हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है और आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी, प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा। लेकिन इनके बाद क्या है, ऑफ आए तो डायरेक्ट आने वाला नाउन हमारा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में बनी रहती है। देखिए, अगर ईच, एवरी एक्सेट्रा वर्ड आते हैं और इसके बाद ऑफ आ जाता है और डायरेक्ट बाद नाउन आ जाता है तो नाउन हमारा किस फॉर्म में होता है, नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा और वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगी। ठीक, ये वाला एक रूल बताया था। एक रूल मैंने ये बताया था कि अगर ईच, एवरी, Each, every, ये सभी आ जाएं, ठीक है, यही वाला, इसके बाद of भी आए, फिर noun भी आए, फिर relative pronoun भी आए, क्या है, relative pronoun, फिर verb आए, तो हम लोग क्या करते हैं, each के बाद जो noun आता है उसको plural बना देते हैं और ये जो verb होती है ये भी plural form में होती है, सभी चीजें आगे की plural form में चली जाती है। तो मतलब अगर each के बाद of आ रहा है और direct बाद noun आ रहा है वो plural रहेगी, लेकिन verb भी verb singular हो जाएगी, लेकिन relative pronoun अगर आ रहा है तो वहां पे हम लोग आगे वाली वर्ब को प्यूरल बनाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे के रूल हम इस क्लास में देखते हैं। देखिए, हमारा नया रूल क्या कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रयोग होने वाली वर्ब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अब बात आती है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य होते हैं जिसमें इच्छा की जाती है, प्रार्थना की जाती है। ठीक है, ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए माना जाए मे गॉड लीव लॉन्ग। ठीक है, मे गॉड लिव लॉन्ग, गॉड तुम्हें लंबी उम्र दे, है ना। तो ये हमारे इच्छावाचक वाक्य, आशीर्वाद वाले जो वाक्य होते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहां पे देखिए, जो वर्ब है लीव है, तो लीव हमारी फर्स्ट फॉर्म में है, मतलब बोल सकते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो भी वर्ब का यूज होता है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। बातें क्लियर हो गई होंगी। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, जैसे बोला जाए कि गॉड सेव द किंग, तो ये हमारा क्या हो गया, गॉड रक्षा करे किंग की, तो ये हमारी इच्छा हो गई, है ना। तो यहां पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो वर्ब हमारी है तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया। ठीक है, अब एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य होता है, इसमें हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अगले रूल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, इस रूल की बात करें तो ये रूल हमारा कहता है कि अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसमें प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी। देखिए कैसे, यही चीज लिख देते हैं हम लोग, द क्वांटिटी ऑफ, द क्वांटिटी ऑफ, अमाउंट ऑफ के बाद क्या है, अमाउंट ऑफ के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आए, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, है ना, ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन आए। ठीक है, नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो और जब वर्ब आती है इसमें तो हम किसका यूज करते हैं, क्वालिटी ऑफ,
अमाउंट ऑफ के बाद जो अगर कोई भी नाउन आता है उसके बाद अगर वर्ब आती है तो उसमें हम लोग सिंगुलर फॉर्म का, वर्ब में हम लोग सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम एक एग्जांपल लें, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट, जो हमारी अमाउंट ऑफ मनी है क्या है, सफिशियंट नहीं है। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट, तो यहां पे द अमाउंट ऑफ के बाद क्या है, मनी है, और मनी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ब में सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, बातें समझ गए होंगे कि द क्वालिटी ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सेट्रा वर्ड अगर आए तो वहां पे हम लोग वर्ब में सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये रूल हमारा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, द क्वालिटी ऑफ वॉटर इज नॉट प्योर, द क्वालिटी ऑफ वॉटर इज नॉट प्योर। अब देखिए यहां पे वॉटर है, वॉटर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है ना वॉटर, इसके बाद जो आती है हेल्पिंग वर्ब उसमें हम लोग सिंगुलर फॉर्म का यूज किए हैं। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म का यूज हमने किया है, तो क्वालिटी ऑफ वॉटर इज नॉट प्योर। ठीक है, अगले रूल की ओर चलते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वालिटी ऑफ अमाउंट ऑफ, ठीक है, इसके बाद अगर कोई कोई भी अगर ईच ऑफ आए, एनी ऑफ आए, ये इसके बाद भी अगर कोई नाउन आता है तो हम लोग वर्ब में सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मेनली यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, अगर अनकाउंटेबल नहीं आता, काउंटेबल नाउन आता है तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में बदल देते हैं और बाकी की प्रक्रियाएं आप खुद जानते हैं, है ना, ऑफ आ जाए, आगे आने वाला पार्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है, वर्ब उसमें सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, अगले रूल की ओर चलते हैं हम लोग, देखिए इस रूल में हम आल के बारे में पढ़ेंगे, आल का यूज किस टाइप से किया जाता है। देखिए अगर आल का यूज अनकाउंटेबल के लिए किया जाए तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर रहती है। यह चीज लिखने जा रहे हैं कि आल का यूज अनकाउंटेबल के लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए, अनकाउंटेबल के लिए किया जाए तो क्या करते हैं, आल को सिंगुलर मानते हैं, आल को सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, अगर आल के का यूज अनकाउंटेबल के लिए किया जाए और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है। ठीक है, आल का यूज जब अनकाउंटेबल के लिए किया जाए तो वहां पे आल को सिंगुलर मानते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है। एग्जांपल के लिए अगर बोला जाए, All is well that ends well. ठीक है, All is well that ends well. तो यहां पे क्या हुआ, All का यूज किसके लिए किया जा रहा है, Uncountable के लिए। तो यहां पे देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ और यहां पे भी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। ठीक है, यहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, यहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा जब अनकाउंटेबल के साथ किया जाएगा यूज। एक्सेप्शन लिख लिए और एक एक्सेप्शन लिखते हैं हम लोग, एक्सेप्शन क्या है हमारा कि आल का यूज जब थिंग्स के लिए किया जाए, आल का यूज जब किसके लिए किया जाए, आदमी के लिए किया जाए, मैन के लिए किया जाए, आदमी या वस्तु, आल का यूज जब आदमी या वस्तु, मैन और थिंग की गिनती के लिए, काउंट करने के लिए किया जाए, आदमी को काउंट करने के लिए किया जाए, काउंट के लिए किया जाए, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग प्लूरल इसको मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, आल को प्लूरल मानते हैं, वहां आल को प्लूरल मानते हैं। और साथ ही जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी प्लूरल हो जाती है। ठीक है, देखिए अगर आदमी और वस्तुओं को गिनने के सेंस में, अगर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल टाइप का है, आदमी और वस्तु गिनने योग्य है,
और उनको काउंट किया जाता है और एक से अधिक है, तो वहां पे हम लोग आल के प्रयोग प्लूरल के फॉर्म में करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी यूज प्लूरल फॉर्म में करेंगे। जैसे आल आर वेल, आल आर वेल एट होम, आल आर वेल एट होम। देखिए इस किसके लिए आल का यूज किया गया है, घर के जो मेंबर हैं, मेंबर्स हैं, उनके लिए आल का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ, मतलब प्लूरल प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, जब आल का प्रयोग किसके लिए किया जाए, आदमी या वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाए, तो वहां आल आल के प्रयोग को हम प्लूरल मानते हैं और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। और वैसे क्या था, जब आल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए किया जाए, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल के सेंस में जब किया जाता है तो वहां पे आल को क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो ये चीज आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले रूल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अब ये रूल हमारा क्या कहता है कि अगर मैनी हो, एनी हो, सम हो, एक्सेट्रा, ये वर्ड आए है ना, बाकी आप सभी जानते हैं कि मैनी हो, एनी हो, सम हो, समवाड़ी हो, एक्सेट्राज वर्ड हो, इसके बाद अगर कोई ए और एन आए, क्या है, ए और एन, ठीक है, और ए और एन के बाद नाउन आए, और नाउन के बाद आप सभी जानते हैं वर्ब ही आता है, तो ए और एन आए और उसके बाद नाउन आए और उसके बाद वर्ब आए, तो यहां पे ए और एन आ रहा है तो डायरेक्ट बाद जो नाउन आता है उसको सिंगुलर फॉर्म में करेंगे और वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में क्यों करेंगे, यहां पे ए और एन लिखा है, क्या लिखा है, और ए और एन किसके लिए यूज होता है, केवल एक चीज के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैनी ऑफ अ पॉलिटिशियन, मैनी ऑफ अ पॉलिटिशियन, मैनी ऑफ पॉलिटिशियन हैज प्रॉमिस्ड, मैनी ऑफ पॉलिटिशियन हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग आ चेंजेस। ठीक है, मैनी ऑफ पॉलिटिशियन, मैनी ऑफ अ पॉलिटिशियन हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग अ चेंजेस। यहां पे ए ना होता तो ये हमारा प्लूरल हो जाता और ये भी प्लूरल हो जाता, देखिए क्यों, क्योंकि ऑफ लगा है ना, बट यहां पे क्या है, अभी हमने क्या बताया, ए और एन आ जाए, तो ए और एन जब आएगा तो जो हमारा आगे आने वाला नाउन है और वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगी, तो मैनी ऑफ अ पॉलिटिशियन हैज प्रॉमिस टू ब्रिंग अ चेंजेस। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि मैनी, एनी, सम, समबॉडी, एक्सेट्रास के बाद अगर ए और एन आता है और उसके बाद नाउन आता है और वर्ब आता है, तो नाउन हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी और वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, मैनी ऑफ अ पॉलिटिशियन हैज अ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग अ चेंजेस। ठीक है, अगले रूल की ओर चलते हैं। देखिए ये रूल बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आए। देखिए इस रूल में अगर सेंटेंस की शुरुआत में मोर देन वन है, क्या है, मोर देन वन, तो मोर देन वन है और उसके बाद सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट में नाउंस हो, क्या हो, नाउंस हो, और फिर वर्ब हो, क्या हो, वर्ब, तो नाउन हमारा सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में, और वर्ब भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, मोर देन वन आए तो नाउन हमारा सिंगुलर फॉर्म में, वर्ब भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी, लेकिन बट यहाँ पे देखिए अगर मोर यहाँ पे हो, यहाँ पे शुरुआत में हो, और इसके बाद डायरेक्ट नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए, फिर देन वन आए, क्या है, देन वन, फिर वर्ब आए, तो क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसा करते हैं, मोर देन वन में क्या करते हैं, सिंगुलर का यूज करते हैं और वर्ब भी सिंगुलर करते हैं, यहां पे प्लूरल दोनों करेंगे। ठीक है, इसको भी प्लूरल करेंगे, मोर के बाद आगे आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा और जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल होगी। अब एग्जांपल के तौर पे देखें, बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे हम लोग। देखिए शुरुआत में मैंने क्या बोला, मोर देन वन आ जाए, मोर देन वन आ गया, मोर देन वन प्लेयर इज इंजर्ड। ठीक है, मोर देन वन प्लेयर इज इंजर्ड, मैंने अभी क्या बताया कि अगर इसके बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है,
तो नाउन के बाद जो नाउन जो आ रहा है वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में है और जो वर्ब आ रही है वो भी सिंगुलर फॉर्म में, तो करेक्ट है, ठीक है। तो मोर देन वन के बाद अगर कोई भी नाउन आता है वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा, अगर वर्ब आती है वो प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में होगी, ठीक है। देखिए अगर यहां पे एक और मैं लेता हूं, इसका एग्जांपल लेता हूं, मोर प्लेयर देन वन, देन वन इज इंजर्ड, क्या हमारा ये सही है? मोर प्लेयर देन वन प्लेयर इज इंजर्ड, क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? गलत है। क्यों गलत है? अभी हमने रूल में क्या बताया, जब इस टाइप से हो तो आगे आने वाला जो नाउन है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा, तो प्लेयर्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा प्लूरल में हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, आगे आने वाला जो वर्ब भी है वो भी प्लूरल हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ना कि इज, तो यहां पे हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। अब देखिए हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मोर प्लेयर्स देन वन आर इंजर्ड। देखिए यहां पे हमारा प्लूरल और यहां पे भी हमारा प्लूरल, मतलब नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। मतलब इसका भी एग्जांपल, इसका एग्जांपल ये है और इसका एग्जांपल ये है। चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि मोर देन वन अगर आए, मोर देन वन आए तो वहां पे नाउन, आगे आने वाला नाउन हमारा सिंगुलर होता है, वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। अगर मोर आ जाए उसके बाद नाउन आ जाए तो हमारा वो नाउन जो होता है प्लूरल होगा, और इसके बाद देन देन वन आए तो आगे आने वाला जो वर्ब है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। अगले रूल की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये रूल हमारा क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आ जाए, क्या है नंबर ऑफ, और फिर इसके बाद नाउन आए, फिर इसके बाद वर्ब आए, स्ट्रक्चर वही रहेगा सेंटेंस का बट शुरू में अ नंबर ऑफ, तो नाउन में हम लोग चेंजेस क्या करेंगे कि नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा और वर्ब भी हमारी प्लूरल फॉर्म में हो जाएगी। लेकिन 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 द नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, द नंबर ऑफ आए, ऑफ आ जाए तो, और इसके बाद नाउन आ जाए, फिर इसके बाद वर्ब आ जाए, तो क्या चेंजेस करेंगे, पता है ये वाली चीज हमारी प्लूरल फॉर्म में हो जाएगी लेकिन ये वाली चीज हमारी सिंगुलर ही रहेगी, है ना। द नंबर ऑफ है, अगर नंबर ऑफ अगर है, द नंबर ऑफ है तो नाउन हमारी प्लूरल हो जाएगी और वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी, लेकिन अ नंबर ऑफ है तो वहां पे नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा और वर्ब हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक है। अगर एक एग्जांपल देते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कैसे अ नंबर ऑफ में हम लोग नाउन को प्लूरल बनाते हैं और वर्ब को प्लूरल बनाते हैं, और द नंबर ऑफ में नाउन को प्लूरल बनाते हैं और वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। देखिए एग्जांपल हमारा, अ नंबर ऑफ ऑफ अ नंबर ऑफ पेशेंट्स, अ नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द सिटी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, डे बाय डे, ठीक है। अ नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द सिटी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। देखिए यहां पे अ नंबर ऑफ के बाद हमने क्या लगाया, पेशेंट्स लगाया, तो नाउन क्या है, पेशेंट, उसमें यस लगा दिया तो प्लूरल फॉर्म में बन गया, तो ये प्लूरल में है, ठीक है। इन द सिटी, ठीक है, उसी वही हमारा सब्जेक्ट है। देन यहां पे हेल्पिंग वर्ब की बात आए तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी, प्लूरल फॉर्म में है, तो ठीक है। पहला एग्जांपल मैंने क्या बोला था कि अ नंबर ऑफ अगर लिखा हो तो वहां पे नाउन प्लूरल फॉर्म में होती है और वर्ब प्लूरल फॉर्म में होती है, तो यहां पे अ नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द सिटी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर इसकी बात करें, अगर लिख दिया जाए कि द नंबर ऑफ पेशेंट, द नंबर ऑफ पेशेंट इज रिकवर फ्रॉम कोरोना वायरस, द नंबर ऑफ पेशेंट इन इज रिकवर, द नंबर ऑफ पेशेंट इज रिकवर फ्रॉम कोरोना वायरस। यहां पे क्या है, द नंबर ऑफ लिखा है, आगे क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पेशेंट इज रिकवर। अब यहां पे हमने क्या पढ़ा है, रूल में पढ़ा है कि अगर द नंबर ऑफ हो तो उसके बाद आगे आने वाला नाउन हमारा
प्लूरल फॉर्म में होता है और वो हमारी सिंगुलर फॉर्म में होती है। तो क्या हमारा ये सही है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे यस होगा और यहाँ पे वर्ब इज होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो ये वाला हमारा किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में, और ये वाला हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक। द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज रिकवर फ्रॉम कोरोना वायरस। बातें समझ में आ गई होंगी, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अगर अ नंबर ऑफ दिया हो तो वहां पे आगे आने वाला नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में होता और वर्ब हमारी वो भी प्लूरल फॉर्म में होती है। और अगर द नंबर ऑफ है तो नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा और वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी। एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि अ नंबर ऑफ पेशेंट इन द सिटी, अ नंबर ऑफ पेशेंट इन द सिटी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। यहां पे नंबर ऑफ लिखा है, आगे एस लगाएंगे मतलब प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, मतलब नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा और वर्ब हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी। अब इसका देखिए, द नंबर ऑफ के बाद आगे आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में होगा और वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी। द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज अ रिकवर फ्रॉम द कोरोना वायरस। ठीक है, यहां पे जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में होगा बट वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी। अगले रूल की ओर चलते हैं। ये रूल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये रूल हमारा क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में नाउन हमारा फिक्स्ड है, नाउन क्या है? फिक्स्ड है, तो उसमें हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब की का यूज करते हैं वो हमारी सिंगुलर होगी। अगर नाउन फिक्स्ड है, आपको समझ में आ जाएगा, फिक्स्ड का मतलब एक निश्चित अमाउंट हो, एक एग्जैक्ट अमाउंट हो, या कि एक एग्जैक्ट डिस्टेंस हो, तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे या वर्ब का यूज करेंगे वो हमारी क्या होगी? सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी कि नाउन हमारा अगर फिक्स्ड है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। जैसे अगर बोला जाए एग्जांपल के लिए, 10 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 10 माइल्स जो है लॉन्ग डिस्टेंस है वॉक करने के लिए, है ना। तो यहां पे हमने क्या बोला कि 10 माइल्स, यहां पे 10 माइल्स है ना, और किसका बोध हो रहा है? प्लूरल फॉर्म का बोध हो रहा है बट एग्जैक्ट है, फिक्स्ड है, 10 माइल्स है, दो नहीं हो जाएगी, तीन नहीं हो जाएगी, 10 माइल्स है। तो 10 माइल्स के बाद क्या लगाए हम हेल्पिंग वर्ब? सिंगुलर फॉर्म का यूज किए हैं, सिंगुलर फॉर्म का यूज किए हैं, हेल्पिंग वर्ब हमने सिंगुलर फॉर्म का यूज किया। तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, अगर नाउन फिक्स्ड है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शंस भी है। देखिए एक्सेप्शंस को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो 500 मीटर आर स्टिल रिमेनिंग टू रीच द डेस्टिनेशन। 500 meters are still remaining to reach the destination. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर noun हमारा fixed है, noun क्या है? Fixed है, तो वहाँ पे helping verb singular लगेगी। तो यहाँ पे भी तो हमारा 500 meter है, distance हमारी fixed है, 500 meter है, तब काहे नहीं लग रहा है यहाँ पे helping verb is, या कि helping verb singular form में, plural form काहे लगा हुआ है? देखिए यहाँ पे बची हुई distance है, remaining distance है, क्या है? रिमेनिंग डिस्टेंस है, छोटी पार्ट में बची हुई डिस्टेंस है। तो हम वहां पे क्या करेंगे? प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब के रूप में प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अगर नाउन फिक्स्ड है और पूरी डिस्टेंस दी है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, लेकिन छोटी छोटी डिस्टेंस, छोटे छोटे अमाउंट्स दिए हैं, बचे हुए रिमेनिंग अमाउंट्स दिए हुए हैं, तो वहां पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।